अरे भाई बन 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 ये बात Hello everyone, what's up? My name is Adroflo and welcome to my channel. तो guys, वो जो जुगलबंदी थी मेरी और ऋषि के बीच की, वो सीरियसली बोलूँ तो हम लोग एक मस्ती कर रहे थे. हम लोग ने मतलब ऐसा एज अ परफॉर्मेंस जैसा नहीं कर रहे थे. हम लोग ऐसा लग रहा था कि थोड़ी मस्ती कर लेते हैं. और सरप्राइजिंगली आप लोग को बहुत अच्छा लगा. मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि वी नीड मोर ये वो. तो हम लोग एक बैंड फॉर्म करने वाले. हाँ विशाल, उसमें विशाल डांसर रहेगा, मैं गिटारिस्ट, ऋषि सिंगर. बैंड का नाम क्या रखेंगे बता? सबसे ज्यादा जोकर मैं ही लगूंगा उसमें. नहीं एक काम करना, स्लो गाने बज रहे हैं वहाँ पे, स्लो गाने गा रहे हैं और ये डांस कर रहा है. ऐसा 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 कर रहे जाऊंगा तो एकदम पागल लगूंगा. बाकी बैंड का नाम क्या रखते हैं? तू भी सिंगर बन जा ना. अपने 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 बैंड में ना ऐसा मतलब किसी प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है. दिल को कर चालू कर दिया. हाँ नाम नाम नहीं सोच रहा तू तो अभी. अच्छा से कैसे सोचूं? सोचूंगा ना उस पर विचार विमर्श करूंगा. हाँ और गाइस एक और एक चीज बताया कि नहीं तूने अभी तक ये क्या? हाँ तू कहाँ से बताएगा? ब्लॉग डालता कहाँ है ये बंदा? ब्लॉग नहीं डालता है. इसको स्पैम करो जाके इंस्टाग्राम पे कि व्लॉग डालो व्लॉग डालो व्लॉग डालो. हर वेंसडे आ रहा है मेरा, समझ नहीं आ रहा क्या तेरे को? हर वेंसडे आ रहा है. सो गाइस आर यू गाइस रेडी? फाइनली 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 गाइस आर्टिस्ट हाउस. लग चुका है. आई नो ये वायर जो ये बहुत गंदा लग रहा है, इसका हम वो अरेंजमेंट कराने वाले जल्दी. एक ऐसा वाइट क्लीन पट्टी लगा देंगे उसके ऊपर तो यू नो सही हो जाएगा. फाइनली भाई एक साल से अपन उसको लगाने के लिए रुके. एक साल तो नहीं इतना और मत. एक साल भाई वो घर पे रखा हुआ था. वो सात महीने छह महीने से ये है वो घर पे था. बट वही बोल रहे थे कि अगला घर शिफ्ट करेंगे. जिन्होंने भेजा था वो मुझे काफी ज्यादा स्पैम कर रहे थे कि आप क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे सर, क्योंकि मेरा घर शिफ्ट होने वाला है और ये घर इतना मैं सोचूंगा कि यहाँ पे कहीं लगाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा. तो मैं आपको ये नए घर पे लगा के दिखाऊंगा. तो अभी मैं इसकी स्टोरी वोरी डालूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड दिस फॉर सेंडिंग दिस. बट आज मैं इतना एक्साइटेड क्योंकि हम लोग काम धंधा करने के बाद हम लोग नई सीरीज चालू करी है रिवरडेल. पता है आप लोगों को, पता है कि आप लोगों में बहुत लोगों ने देखा रहेगा और आप लोग सोच रहे होंगे कि आप भी स्टार्ट किया. हाँ ठीक है अभी स्टार्ट किया. हाँ हम हमारे हिसाब से देखते हैं. तो हम लोगों ने नया सीरीज स्टार्ट करा हुआ है और आज मैं इतना एक्साइटेड हूँ. क्यों? क्योंकि उधर टीवी चलेगी, एसी चलेगा, कम लाइट लेंगे, भी बन रहेगी. एकदम मस्त वाली, बहुत मजा. और भी अभी बहुत कुछ कराना है गाइस, तो उसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. ये घर को ना एकदम ट्रांसफॉर्म, खतरनाक मस्त बनाएंगे. क्या बोलते ऋषि? ऋषि आई एम व्लॉगिंग. ऋषि क्या बोलते हो? बाकी हमने ये लगा दिए फाइनली. और गाइस हाँ तुम दोनों लगा दिए. अच्छा वो छोड़ो, मैं कुछ और बोल रहा हूँ. अपने जो सिंगिंग किए उसके कितने सारे वो आए पता है? कमेंट्स अच्छे अच्छे. सेकंड वर्जन ठीक है. हाँ सेकंड वर्जन वाला. और ये प्लीज ऐसा डालते रहना थोड़ा म्यूजिक ये. चलो एक फिर आपको मेरे ब्लॉग में भी मिलेगा. हाँ सो गाइस ऋषि ने सॉरी विशाल ने कर दिया हम लोग पे प्रैंक, खतरनाक वाला. अभी तक तो हम लोग ही प्रैंकस्टर समझ रहे थे वो तो. लेकिन मतलब इरिटेट कर दिया एक्चुअली. देखा जाए इरिटेट हुआ मेरे को. प्रैंक तो नहीं हुआ, मैं इरिटेट हो गया कि वो कैसी फालतू जैसी बात कर रहा है. तो अभी वो गया है खाना लाने के लिए और मेरे को ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है. मेरे को ना लिटरली अंदर से ना ऐसा सब कुछ हो रहा है कि क्या कर दूँ. तो मैं ये व्लॉग में ही मैं सोच रहा हूँ कि कर देता हूँ कुछ. तो मैंने अभी थोड़ा दिमाग लगाया, वो गया खाना लाने. अब वो ब्रेजा लेके गया उसकी गाड़ी. उसकी है दो चाबी, ये घर पर रखी हुई. तो वो एक चाबी ऑब्वियसली ले गया, मैं ये चाबी लेके जाऊँगा. अब उन दोनों जाते हैं एक्टिवा पे, उसकी वो गाड़ी लेते नीचे से. उसको तो पता नहीं, वो गाड़ी चालू करके ना कहीं दूर खड़ी कर देंगे और फिर अपन कहीं दूर छुप के बैठ के उसका रिएक्शन देखेंगे. वो नीचे आएगा फटफट देखने के लिए, उसको गाड़ी नहीं दिखेगी ना, फिर वो देखते क्या करता है. मजा आएगी, मजा आएगा. अच्छा ये ना ज्यादा बड़ा हो जाएगा. अरे मतलब वही तो चाहिए, बट वही ज्यादा बड़ा हो जाए. और अंकल ना एक तो ना मतलब ना ये थोड़ा गाड़ी है, अंकल बोलते संभाल के चला, ये थोड़ा केयरलेस है ना. हाँ तो ये होगा तो उसकी फटके चार हो जाएगी. सो गाइस बहुत ज्यादा एक्साइटेड. अभी क्या है वो गया है तो थोड़ी देर में हम लोग निकलते हैं और गाड़ी चालू करके छुपा देते हैं, फिर उसका रिएक्शन देखते हैं. एक्साइटेड. सो गाइस ये वो एक्स्ट्रा चाबी है जो अपने ड्रॉअर में रखता है. अभी जाते हैं, निकलते हैं. चलो ऋषि लेट्स गो, लेट्स डू इट. ये कम ऑन.
जा रहे हैं फुल शॉट दिखाने के लिए, बट एक ही चीज़ का डर है यार, उसकी जो विंडो है ना वो नीचे ही दिखती है, बट ऑफिस दिख रहे को, अरे वो ना खिड़की पे कौन खड़े रहेगा ना, वो अपना गाड़ी साइड पार्क करता ना जहाँ उसकी खिड़की नहीं आती, और वो उसकी हॉल की खिड़की कभी नहीं खोलता, कोई खोलता ही नहीं है, इसी चालू रहता है पूरा टाइम, उसके हॉल की खिड़की में कोई कभी आता ही नहीं है, और उसके नीचे अगर कोई गाड़ी तो बनता है, मज़ा आ रही। लेट्स गो गाइस, गाड़ी गाड़ी खड़ी है, बोला ना वो हॉल के नीचे रखेगा तो नहीं दिखेगा, वो गाइस उसकी गाड़ी ऊपर जाना, गाड़ी निकाल चाबी, सुन आगे हाँ खोलते तो आवाज आती है, हाँ चाबी से खोल, आगे आगे वहाँ जाके खड़ी कर, अरे भाई बन 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 बन, भाई जल्दी निकाल जल्दी निकाल जल्दी निकाल, भागो भागो, अभी तक तो पता चल ही गया रहेगा कि गाड़ी का कुछ सीन है, आ जा जल्दी आ, उसकी बिल्डिंग के पास जाएंगे, क्या शॉट दिखा दी भाई गाड़ी, आवाज़ आई ना अच्छा, ऐसा लगेगा कि सही में चोरी हुई है गाड़ी कुछ, बट आवाज़ उन लोगों ने सुने रहेंगे कि नहीं, ऊपर की कांच वाँच बंद रहती है, रहता भी कौन से माले पे हो, चल लेट्स गो। तो गाइज हम लोग आ गए हैं यहाँ पे स्कूटी खड़ी करके, ये गाड़ी की आड़ में खड़े हैं, और विशाल वहाँ से आएगा, विशाल है ना वहाँ से आएगा, जूम तो बस अभी यहाँ पूरा जूम कर दिया हाँ, तो बस अभी यहाँ से उसका वेट करेंगे हम लोग, दिख रहा है देख खड़ा है, देख दूर नहीं हो रहा है, दूर ज़ूम हो, ढूंढ रहा है, देख अरे भाग रहा है देख, ये है बदला, ये हमारा बदला है विशाल, ये विशाल क्या छुप के लेना, हाँ हाँ छुपाओ, ये इधर उधर तड़प गया, तड़प गया, वो बोलना वही बैठ के खाना खा ले, अरे भाई ये भाग गया इतने दिनों बाद इसको तड़पते हुए देखा ना, इतना उसके खौफ दिखा, यहाँ पे भाग रहा है, वहाँ पे भाग रहा है, और सीधा घर भाग गया है। गाइज मतलब है ना बहुत टाइम बाद उस पर आज हम लोग ने ना पहली बार इसके दिल में खौफ देखे, गाइज आपको ये ना कैमरे में बहुत दूर से दिख रहा था, बट हम लोग को तो क्लियर दिख रहा था, हेलो कहाँ है तुम लोग, घर पे हाँ यार, बंटा शॉर्ट हो गया यार, गाड़ी नहीं मिल रही यार, क्या हो क्या, अरे खाना लेके नीचे गाड़ी नहीं दिख रही है, गाड़ी नहीं दिख रही मतलब दिख ही नहीं रही गाड़ी, मतलब है ही नहीं नीचे कहीं नहीं है, तू ही लेके गया था ना, चूतिया जैसी बात क्या करता है, अरे हाँ मेरे को पता है मैं लेके गया था ना, मेरे को पता है, हाँ बट नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही मतलब क्या बात करे, तू क्या बोल रहा है नहीं दिख रही क्या, अरे अरे क्या, अरे नीचे सीधा गाड़ी पार्क करी थी वहाँ पे, कहीं है ही नहीं गाड़ी, तो चाबी मेरे पास है, अबे वो ऐसा बोल रहा चोरी हो गई, तू क्या बोल रहा है मतलब कोई लेके चला गया, बंटा हाँ समझ रहा है तू, मेरे को वही लग रहा है, तेरा बिल्डिंग का नीचे का एरिया मेरे को शेडी भी लगता है पता है, थोड़ा रात का टाइम, तेरे को पहले बोले थे गाड़ी बाहर मत खड़ा कर, बिल्डिंग के अंदर पार्क कर, तुम लोग बाहर ही किया था ना, बाहर ही किया था, अभी किधर है तुम लोग, आ रहे क्या क्या करता है मतलब कितना केयरलेस है, मैं देखो कितनी बार बोलो अंदर गाड़ी खड़ा कर, रुक आ रहे हम लोग, चल छोड़ आ रहे हम लोग, छोड़ टेंशन मत ले, रुक आ रहे, स्ट्रेस मत ले, आ रहे चल,
अभी रुक गया अपने पास पाँच दस मिनट रुकना पड़ेगा, फिर उसको कॉल करेंगे कैसे आ गए इतना भाग के। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब हम लोग तो यही है, बट उससे मिलेंगे जब हम लोग कैमरा से व्लॉग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखेगा बोलेगा कि क्या व्लॉग वॉक मतलब, उसको थोड़ा डाउट ना हो जाए तो चले ही जाएगा। तो अभी कैमरा को मैंने डिक्की में डालता हूँ एक्टिवा की, फोन से शूट करते हैं, फोन से फोन ना मैं ऐसे किसी पीछे पकड़ के बैठे, मैं हाथ में ही रखता हूँ ना फोन, हाँ हाँ तो ऐसा हाथ में रखूँ, ठीक है। बैठ क्या कहाँ खड़ी करा तुमने गाड़ी यार, इधर ही गया था गेट के पास जहाँ हर बार करता हूँ यार मैं तो, नहीं अभी नहीं देख क्या बोलूँ बे, डैडी को बताया? हाँ घर पे जाके बताया ना यार, तो यहीं खड़ी किया था तुमने गाड़ी? वो उधर किया था देखना गेट के पास, तो कहाँ मतलब कुछ क्या बोल रहा है यार तू, वैसा कैसा मतलब गाड़ी कैसे चोरी, वही समझ में नहीं आ रहा मेरे को, मैं तो खाना लेके नीचे उतरा मेरे को पता नहीं था किधर गई गाड़ी, डैडी को कॉल कर दे, तू कैसे पता चला? अबे मैं नीचे आया मैं गाड़ी में ऊपर भाग गया, तुम लोग भूल गए क्या मेरी गाड़ी में जीपीएस है? उफ़ा हाँ मैं गया भाग रहा हूँ, गाड़ी नहीं मिल रही है, लड़की बोलते रुको, बोलते हैं तो अभी चालू हुई थी, मैंने चालू हुई थी बोली आगे किसने पार्क करी, मैंने तुम लोग इस वक्त किसी को पता नहीं दूसरी चाबी किधर है, और अभी मैं तुम लोग प्रैंक करके आया हूँ, मैं समझ गया आपने मैं कॉल किया, हाँ मैं कॉल किधर हो तुम लोग घर पे पीछे से उधर कुत्ते भौंक रहे हैं, उधर गाड़ी की आवाज आ रही है, अरे माँ मैं इसके लिए स्पीकर छुपा रहा था, इसलिए तो उठा लिया, फिर वो रिक्शा वाला गया ना गलती से आवाज, और मैं ना तेरा स्पीकर छुपा रहा था, मैं बोला यार क्या करूं, पुलिस स्टेशन है और सॉरी मुझे सॉरी तेरा प्लान भाई, मैं कितनी देर से फोन ऐसे करके बैठा था यार, कोई बात नहीं कोई बात, तो अभी कैमरा निकाल ही ले, हां भाई कैमरा बस हो गया, कितना मेहनत किया कितना दिमाग लगाया ये सब में, और क्या हो गया भाई फ्लॉप हो गया, फ्लॉप बिगेस्ट फ्लॉप तुम लोग का सबसे अपना अपने करियर का सबसे बिगेस्ट फ्लॉप प्रैंक गॉन रॉन्ग, एक भूल यार इसकी गाड़ी, मैं पहले नीचे ना खाना लेके मिली सच्ची सिट्टी पिट्टी गोलू की गाड़ी गई किधर, वो तो पता था तू जैसा भागा ना वापस रिटर्न, हमने देखे ऐसे देखे यहाँ से गाड़ी घुमा लेते वैसे बहुत किस्से, हाँ भाई चलो सर हम लोग चलते दूसरी जगह बात करते चौकी पे, थोड़ा अलग आंकड़ा है चौकी पे खड़े, वो पुलिस की गाड़ी खड़ी है वहाँ तो सीन ना हो जाए निकलते, सीसीटीवी कैमरा भाई, अरे अरे बाप रे चलो तो अभी और मार, सो गाइस बहुत अंधेरा है, विशाल को तो पता चल गया प्रैंक का, देखो तो, मेरी गाड़ी ये देखो, चलो अभी सीधा घर पे मिलते हैं, तेरे को पता है सीन क्या है, जब ऊपर भाग के गया डैडी को बोला ना हाँ। तो मेरे को समझ गया अब तो क्या लगता है कि अब हम लोगों को गाड़ी घूम गई है, तो डैडी और मैं हम दोनों नीचे भाग के नहीं आते, तो जब से मैं तेरे को कॉल किया हूँ फिर जब से तुम लोग आए हो हम लोग घूम रहे तब से मेरे को पता ही था, मैं नाटक ही कर रहा था, मतलब चल ठीक है थोड़ा तो चलने देते हैं लोकल लोग जो भी कर रहे हैं, चले बस हो गया अभी पटेली मत कर, हाँ हो गया ना चल देखते हैं, अभी जीपीएस नहीं होता तो तेरे को मतलब आज इसका दिन है, आज इसका दिन चल रहा है, क्या मालूम है तेरे को इसने स्मार्टली वर्क नहीं किया, हाँ, अपन ने मिस्टेक कर दिया, अपन ने जीपीएस का सोचा नहीं राइट, वरना अपन अंकल को फोन करके अपने साथ कर लेते तुम लोग अगर अंकल को कर लेते ना तो ये बर्बाद हो जाता, रो देता है आज तो उसको रुला के ही घर भेजते, अंकल को बोलते इसको सुनाओ। सो गाइस कल रात में जो प्रैंक हुआ उसके बाद जो दिमाग जो कि नहीं हुआ जिसके बाद जो दिमाग खराब हो गया था मूड ऑफ हो गया था, तो उसके बाद घर पे आने के बाद है ना मेरे ना दिमाग में था कि वीडियो एंड करना है ना कुछ, क्योंकि ना इरिटेट हो गया था मैं, कितना दिल से कितना मतलब कितना मेहनत की, इधर भाग रहे उधर भाग रहे गाड़ी छुपा रही कर रहा है, एंड में ना पूरा फ्लॉप, तो एंड में मैं अभी वीडियो एडिट कर रहा तो मेरे को समझ में आया कि मैंने वीडियो एंड ही नहीं किया, तो अभी मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। सो या गाइस तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो कि प्लान फ्लॉप था बट फिर भी यार वी ट्राइड वी ट्राइड आवर बेस्ट, इसमें पता चलता है कि जरूरी नहीं कि हर प्रैंक सफल हो साला हां ना, अरे बट अपन हो जाता है ये तो सफल हो ही जाता है, वो अंकल ने बचा लिया था ना, इसको अंकल ने बचा लिया, इसको अंकल ने बचाया, ये खुद से नहीं समझ, मेरे को पता था कि जीपीएस है इसलिए मैं भाग के ऊपर गया था। सो या गाइस ये बात पे ये वीडियो को एंड कर देते हैं,
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर डिसलाइक कर दो, अगर नहीं अच्छा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट मत करना, कर देना नहीं करना प्लीज, एक बार अभी एक बार बोल दो कि नहीं करना, ये ना साला नहीं, अच्छा ठीक है तू बोलेगा नहीं करना गाइस प्लीज मत करना, लाइक करो, बट ऐसा लगे तो कर भी सकते हो। सो फिर मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।